हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी टार फाइल या जीजिप फाइल का कंटेंट कैसे लिस्ट आउट करते हैं। तो इसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा टार हाइफन टीवीएफ ऑप्शन, और उसके बाद में उस टार फाइल या उस जीजिप फाइल का नेम आपको लिखना है जिस फाइल का कंटेंट आप लिस्ट आउट करना चाहते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी है, तो सबसे पहले उस डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट आउट कर देते हैं ls-l कमांड की सहायता से। तो यहाँ पर एक जीजी फाइल भी क्रिएटेड है और एक टार फाइल भी क्रिएटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी टार फाइल का कंटेंट चेक करना हो तो उसके लिए क्या कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे मुझे इस टार फाइल का कंटेंट लिस्ट आउट करना है तो उसके लिए कमांड होगा टार हाइफन टीवीएफ ऑप्शन, और उसके बाद में उस टार फाइल का नेम आपको लिखना है। तो जैसे ही ये कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उस टार फाइल का जो भी कंटेंट होगा वो आपको ये लिस्ट आउट करेगा, और साथ में उसको डिटेल भी बताएगा कि ये डायरेक्टरी है, कौन कौन सी डायरेक्टरी है इसमें, कौन सी फाइल है, उसका ओनर कौन है, और वो फाइल कब क्रिएटेड हुई, यानी जो भी डिटेल होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको डिटेल में शो करेगा अगर आप इसके साथ में हाइफन वी ऑप्शन भी यूज करते हैं। तो यदि आप केवल टार हाइफन टी एफ ऑप्शन यूज करेंगे किसी टार फाइल का कंटेंट लिस्ट आउट करने के लिए तो ये सिर्फ आपको उसका नेम बताएगा, उस टार फाइल में कौन कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज अवेलेबल है उन फाइल्स और डायरेक्टरी के लिए नेम शो करेगा, यानी उनकी डिटेल आपको शो नहीं करेगा। तो अगर आपको डिटेल में चेक करना है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा टार हाइफन टीवीएफ ऑप्शन, और उसके साथ उसके बाद उस टार फाइल का नेम आपको लिखना है। तो इस प्रकार आप किसी टार फाइल का कंटेंट लिस्ट आउट कर सकते हैं। और इसी जीजी फाइल का कंटेंट अगर आपको लिस्ट आउट करना है तो उसके लिए कमांड होगा टार हाइफन टीवीएफ ऑप्शन, और उसके बाद में उस जीजी फाइल का नेम आपको लिखना है। तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड उस जीजी फाइल का कंटेंट आपको लिस्ट आउट करेगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी टार फाइल का कंटेंट कैसे लिस्ट आउट करते हैं और किसी जीजी फाइल का कंटेंट कैसे लिस्ट आउट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।